बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के सोपोर में, जो आतंकी हमला हुआ, दो नागरिकों की इसमें जान चली गई है और दो पुलिस वाले भी गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। आतंकी हमला हुआ था पुलिस और सीआरपीएफ की उस ज्वाइंट टीम पर जो नाके में तैनात, लेकिन इन्हें निशाना बनाकर आतंकियों ने हमला किया, लेकिन दो सिविलियन इसमें जान गंवा बैठे हैं, दो पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और अब सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है इस पूरे इलाके में कि कितनी बड़ी तादाद में आतंकी यहां पर मौजूद थे। लेकिन ये सबसे अहम, ऐसे में जबकि पुलिस और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम को निशाने पर लिया आतंकियों ने और फायरिंग शुरू कर दी। आरामपुरा एरिया सोपोर का ये है जहां पर आतंकियों ने निशाना साधा इस सुरक्षा बल की टीम पर और दो नागरिकों की इसमें मौत हुई है, दो पुलिस वाले इसमें घायल भी हैं, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस पूरे इलाके में कि आखिर यहां कितनी बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी है। नाके पर तैनात ये पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर निशाना लगाकर हमला आतंकियों की ओर से किया गया है, दो नागरिकों की जान इसमें चली गई है, दो पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, अब क्या ताजा हालात बने हुए हैं? देखिए प्रशांत, ये जो अटैक है ये सोपोर एरिया में हुआ है। आपको मालूम है कि नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है ये सोपोर और वहां पर ही एकदम से नाका पार्टी जो थी सीआरपीएफ और पुलिस की, वहां पे कुछ व्हीकल्स भी थे, एकदम से मिलिटेंट आ गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और फायरिंग में जो है पहले पुलिस वाले घायल हुए और उसके बाद जो है क्योंकि अंधाधुंध काफी देर तक ये फायरिंग चली और उसमें दो सिविलियन जो है उनकी मौत हुई है, कुछ और सिविलियन भी घायल हुए हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की, उनका ये कहना है कि अभी यहाँ पे रश है, अभी ये क्या पता मुश्किल है कि कितने लोग कुल मिला के घायल हुए हैं, लेकिन दो सिविलियंस के मारे जाने की पुष्टि की गई है और दो जो पुलिस के लोग हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड बता रहे हैं। हालांकि अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी हैं कि दोनों की मौत हुई है, लेकिन ऑफिशियली अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। दो ये कहा जा सकता है कि पुलिस के लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और दो जो है नागरिक उनकी मौत हुई है। फिलहाल पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी जो है इस वक्त मिलिटेंटों की तलाश में लगी है जिन्होंने फायरिंग की, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा मिलिटेंट अटैक है नॉर्थ कश्मीर में सोपोर में, जहां पे पुलिस पार्टी पे हमला किया गया और आपने देखा होगा कि गाड़ी में भी जो सीआरपीएफ वो पुलिस की जिप्सी थी, क्योंकि जब फायरिंग करते हैं मिलिटेंट तो ग्रेनेड भी फेंकते हैं, उसकी वजह से गाड़ी में आग लगी थी और आग को बुझाया गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम वहां पे फौरन पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया और मिलिटेंटों की तलाश जारी है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे रिफत, लेकिन वो सब